छत्तीसगढ़ के चित्रकूट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जहां चित्रकूट में 21 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं इसके नतीजे 24 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। चित्रकूट विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 21 अक्टूबर को वहाँ पर मतदान होंगे और 24 अक्टूबर को वहाँ पर के जो चित्रकूट उपचुनाव है उसके रिजल्ट आएंगे। हमारे साथ इस संबंध में बातचीत करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू जी हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है, ऐलान हो गया है 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं? आज चुनाव की शेड्यूल का घोषणा हो गया है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव है उसकी तैयारियां, हम बैकग्राउंड में जो तैयारियां हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो इस शेड्यूल नोटिफिकेशन के साथ जो आगामी कार्यवाही होगी वो हम पृथक से अभी निर्देश जारी करेंगे। जो लोगों की ड्यूटी लगानी है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह है, वो सब अभी संपन्न होंगे आगामी कुछ दिनों में। बैकग्राउंड में जो सामग्री वगैरह की आवश्यकता है जो सब हमारी पूरी हो चुकी है। सिक्योरिटी का जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, वहाँ जैसे कि पिछले विधानसभा और लोकसभा के समय, चुनाव के समय जैसे हमने किया था, उसी प्रकार ही अमूमन व्यवस्थाएं रहेंगी। कोशिश ये रहेगी शांतिपूर्ण तरीके से सारी प्रक्रिया। मतदाताओं की संख्या क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या 1,67,722 है, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं, 88,503 महिलाएं हैं और लगभग 80,000 से थोड़ा सा कम पुरुष मतदाता है और कुल 229 पोलिंग स्टेशन हैं। सर, नक्सलियों की आहट लगातार उस इलाकों में रहती है, क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे उसको लेकर, क्योंकि सट्टा हुआ है वो इलाकों से? कोशिश यही रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से सब संपन्न हो जाए। जो व्यवस्थाएं करनी है हम उसका डिटेल यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी व्यवस्थाएं पुलिस के साथ समन्वय करके कंप्लीट हो जाए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू, जिन्होंने बताया कि चित्रकूट उपचुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई है और आगे आने वाले समय में वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक सफलतापूर्वक चुनाव कराया जाएगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा से राज्य।